within this financial year, this law will definitely come. और रिपोर्ट प्रिपेयर करके चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में हम लोग चीफ मिनिस्टर का हाथ में दे दिया। अभी बाकी गवर्नमेंट का ड्यूटी गवर्नमेंट करेगा। कि मुस्लिम को पॉलीगमी बंद करेंगे ऐसा एक नोशन दिया जा रहा है और इसके जरिए जस्ट एक पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स करना चाहता है। नमस्कार, टाइम्स राउंड और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले चार शादी पर रोक लगाने वाला कानून आने वाला है? क्या 2024 से पहले बीजेपी ने इस बड़े मास्टर स्ट्रोक की पूरी तैयारी कर ली है? और क्या तीन तलाक के बाद बहुविवाह पर रोक वाला ये कानून मुस्लिम महिलाओं के हित में सबसे बड़ा कदम होने जा रहा है? और अगर ऐसा होता है तो फिर तथाकथित मौलाना क्या करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल असम में हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार ने इस कानून को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। हेमंता ने दावा किया है कि इसी वित्तीय साल में वो राज्य में इस कानून को लेकर आएंगे। सुनिए सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंता का वो बयान। এই বছৰৰ ভিতৰতে আইনখন অহাটো নিশ্চিত। সো খালি whether we'll do it in September or December or January, that is to be decided. But within this financial year, this law will definitely come. যদি তাৰ মাজত কিবা UCC আহি যায় তেতিয়াতো কথাটো বেলেগ হৈ যাব। But this is what state government initiative is. यानी मुख्यमंत्री ने कह दिया कि यूसीसी आ गया तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन वो इस कानून को लेकर आने की पूरी तैयारी में है। इससे पहले कल सरकार की ओर से गठित स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस समिति में पूर्व न्यायाधीश के साथ तीन बड़े अधिवक्ता भी थे। कमेटी को जांच करनी थी कि राज्य सरकार इस कानून को ला सकती है या नहीं। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद हेमंता ने कहा कि कमेटी इस बात पर सहमत है कि राज्य सरकार कानून ला सकती है। हां, मंजूरी राष्ट्रपति से ली जानी चाहिए। कमेटी के मुताबिक चार शादी करना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। सुनिए। चार बार हम लोग बैठा है एक कमेटी बैठने का बाद एक हम लोग रिपोर्ट हम लोग प्रिपेयर किया है और रिपोर्ट प्रिपेयर करके आज हम लोग का रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में हम लोग चीफ मिनिस्टर का हाथ में दे दिया। अभी बाकी गवर्नमेंट का ड्यूटी गवर्नमेंट करेगा। पॉलीगामी का ऊपर क्या करना है क्या करना नहीं तो ये सब गवर्नमेंट करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले हेमंता सरकार के इस एक्शन से विपक्षी बौखला गए हैं। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले ध्रुवीकरण के लिए ऐसा कानून लाने की कोशिश हो रही है। सुनिए। मुझे लगता है इससे देश का भला होने वाला नहीं है। अगर सरकार को कानून ही बनाना है तो उन पर बनाए जो रिलेशनशिप में रहते हैं, जो शादी के बाद भी नाजायज ताल्लुकात बनाकर रहते हैं, उन पर कानून बनाए। चार शादियों पर कानून बनाकर ये दिखाना कि हमने क्या कर दिखाया, तो मुझे लगता है कि ये जो लोकतंत्र की आजादी है उसके खिलाफ है। तो ये एक ऐसा नोशन यहां देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि पॉलीगमी सिर्फ मुस्लिम के बीच में हो रहा है, लेकिन स्टेटिस्टिक्स ये कहते हैं कि पॉलीगमी मुस्लिम से भी ज़्यादा ख्रिस्टान लोग का भी है। इवन हिंदू जो है, जो आदर्श कास्ट है यहाँ में, इन लोगों के बीच में पॉलीगमी है, एससी में भी पॉलीगमी है। तो ये एक नोशन है इसलिए कि मुस्लिम को पॉलीगमी बंद करेंगे ऐसा एक नोशन दिया जा रहा है और इसके जरिए जस्ट एक पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स करना चाहता है कि हम लोग मुस्लिम को बहुत प्रेशर में रखा। अभी इस 2024 में जो इलेक्शन आने जनरल इलेक्शन आने वाला है, इस इलेक्शन से पहले ऑल ओवर द कंट्री एक ही नोशन बीजेपी के हाथ में, एक ही मुद्दा है जो हम मुस्लिम को बहुत तकलीफ दे रहे हैं। ये एक नोशन जो मेजोरिटी कम्युनिटी को देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करें उससे पहले आपको ये जानना भी जरूरी है कि कानून क्या कहता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने बहुविवाह प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया है। आईपीसी की धारा 494 के तहत मुस्लिम पुरुषों को दूसरा निकाह यानी दूसरी शादी करने की छूट है। हिंदुओं में विशेष विवाह अधिनियम 1954 में भी बहुविवाह की मनाही है। शरीयत कानून के हिसाब से मुस्लिम पुरुष चार शादी कर सकते हैं, यह कानूनन स्थिति। अभी तक
राष्ट्रवाद में सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि चार विवाह रोकने वाला कानून क्या वाकई जल्द आने वाला है, जो दावा है असम सरकार का। बहुविवाह रोकने पर कानून से किसे परेशानी होगी और क्यों परेशानी होगी? यूसीसी से पहले क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर ये एक तरीके का बदला जो कि आरोप लगाए जा रहे हैं? चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। नाजिया इलाही खान हमारे साथ जुड़ी हुई है सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर। शबनम खान स्टूडियो में मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट। अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही सैयद जवाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हैं। सबसे पहले मुमताज और जवाद मैं आपसे शुरू करूंगा, चार शादियां नहीं हो पाएंगी ये कानून आ जाता है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले रिजवी साहब, मुझे लग रहा है कि जो हेमंत बिस्व शर्मा हैं उनको चाहिए कि वो एक अलग ही अपना मुल्क घोषित कर दें। क्यों? इसलिए क्योंकि एक तरफ यूसीसी जब सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो ला रही, उस पर बात हो रही है, तमाम चर्चा हो रही है, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में है चार शादी रोकने की, चार शादी में कानून या बयान उनके जिस तरीके के आते हैं बिल्कुल अलग, वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। मतलब तो मुझे लग रहा है कि उनको चाहिए। नहीं नहीं, मैं क्या चाहता हूं नहीं चाहता ये अलग चीज है। तो बताइए ना, आप इससे आपकी राय पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, ऐसा है कि अब यूसीसी आ रहा है ना, उस पर डिबेट हो रही है। चार शादियों पर एक अलग से कानून की बात हो रही है। कहां मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि यूसीसी आ गया तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो हम कानून ला रहे हैं। अरे तो बोलने की क्या जरूरत है, यूसीसी क्या उनको भरोसा नहीं है अपनी सरकार पे? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि एक सरकार ये कानून लेकर आ रही है, हम कह रहे क्यों पक्ष में है कि विपक्ष में, इतना इशू बनाया जा रहा है, क्यों इसको इशू बनाया जा रहा है? स्टेट से रिजवी भाई, कभी उत्तराखंड की बात आ जाती है, कहीं असम की बात आती है, अरे भाई समय में एक से ज्यादा शादियों के पक्ष में है कि विरोध में है, सीधा सा सवाल है। नहीं नहीं, मैं तो शरीयत के पक्ष में हूँ और संविधान के पक्ष में हूँ। संविधान अगर हमारा जो इजाजत देता है उसके तहत काम होना चाहिए, हमें शरई आजादी जो है वो हमें मिलनी चाहिए। सुनिए सुनिए, हम रेजवी भाई, हम चार शादी कोई नहीं कर रहे, आज के दौर में इमरती जिले की मत बनाइए इसके लिए। नाजिया रुक जाइए, नाजिया रुक जाइए, मैं आऊंगा सबके पास आऊंगा। जलेबी इमरती मत बनाइए। नहीं नहीं, मैं जलेबी नहीं बना रहा हूं, मैं इमरती बना रहा हूं। इस कानून के पक्ष में या विरोध में, एक लाइन कौन सा? मैं तो ये जो बयान आया इसके खिलाफ हूं, क्योंकि ये बयान, अरे काहे का कानून के पक्ष में, कैसे कानून, क्यों ऐसा कानून? पहले वहां पे जो गुर्बत है वो दूर करें, विरोध में है ना, वहां पहले बेरोजगारी दूर करें, इसकी वजह बताइए, वहां महंगाई दूर करें, बताइए क्यों आपको एक साथ एक से ज्यादा पत्नियां चाहिए? नहीं, हमें पत्नी नहीं चाहिए एक से ज्यादा, हमें एक चीज से संतुष्ट हैं, हमें एक से ज्यादा नहीं चाहिए। और कानून ले आए, नहीं कानून का विरोध, अरे कोई विरोध नहीं है, इनकी बकवास पे विरोध है, फिर बकवास हो गई इनकी राजनीति। सैयद जवाब लाइए आप इस कानून के पक्ष में कि विरोध में? सैयद जवाब आवाज आ रही है? हेलो जवाब भाई, आवाज आ रही है? हेलो, प्लीज एक बार कनेक्ट करवा दीजिए। ठीक है, इनका ऑडियो ठीक करिए। शबनम, एक साथ चार से एक समय एक एक साथ एक से ज्यादा पत्नियां चाहिए, इसलिए ये कानून के विरोध में है? नहीं नहीं चाहिए, ये राकेश भाई देखिए, आप जो ये इस तरीके कानून के पक्ष में है तो मतलब कहां चाहिए, लेकिन बकवास जो करते हैं ना, कि एक तरफ यूसीसी का विरोध कर रहे हैं भाई, मोदी सरकार भाई, अगर आप इस कानून का विरोध कर रहे हैं तो इसके पक्ष में है क्या? मोदी सरकार पे भरोसा नहीं? शबनम खान है, शबनम शबनम मैं बोल रही हूँ कि राकेश भाई ने एक सीधा सिंपल सवाल किया कि चार पत्नियों के पक्ष में है आप, इन्होंने वो नहीं कहा कि नहीं नहीं हम चार के पक्ष में नहीं है, इन्होंने एक बार भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया, घुमा दिया। मैंने वादे जवाब दिया है, आप उसको नहीं समझ पाए, क्योंकि आप जो है ये सुनना चाहते हैं, कहते हैं चार के खिलाफ। हाँ तो यही बोल रहे हैं ना, पूरा पसमंजर समझिए ना, मुसलमान कुरान में भी आपने भी पढ़ा है, घूमते हैं इससे पहले क्यों मुसलमानों को भ्रम में डाला हुआ है, विचारों का जिक्र किया था, चार शादियां जायज हैं, आपने इससे पहले भी कुरान का जिक्र किया था और उसमें आपने कहा था कि क्या कंडीशन से, आप ये तो देखिए ना, राकेश भाई ने आपसे क्या सवाल किया, आपसे पूछा चार विवाह के लिए आप अग्री कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पॉलिटिक्स के खिलाफ हूँ, ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिल्कुल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सरकार को अधिकार है, हर तरीके का कानून ला सकती है, ला रहे तो स्वागत करिए ना, हाँ अच्छी बात है, स्वागत करें, क्यों स्वागत करें? चार चार औरतें पकड़ के वो तो न जाने क्या क्या कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहा है वो तो न जाने क्या क्या बयान दे रहे हैं, उनका स्वागत करें। आपको मुसलमान भाइयों को सीधी दिशा में ले जाना चाहिए ना कि हाँ बुरी चीज है,
एक बीवी के होते हुए आपको दूसरी बीवी के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो जो कभी कहा गया था वो नाजायज ताल्लुक कायम रखना है। अरे भाई आप नाजायज ताल्लुक पर पहुंच गए, पहले अपना तो स्पष्ट कर दीजिए राकेश भाई, पहले इनसे स्पष्ट करवाइए ये पक्ष में है चार औरतों के या कोई शादी नहीं कर रहा है। अब ये कानून का विरोध कर रहे हैं आप, इसका जो मतलब निकाल लीजिए। शबनम आपसे पूछा ये कानून का विरोध कर रहे हैं, कितने लोग जो मतलब निकालना चाहे निकाल सकते हैं, जिन्होंने मुस्लिम पुरुषों को इस तरफ मोड़ रखा है। अरे किसी ने नहीं मोड़ रखा, शादी कर लीजिए। अरे भाई आप तलाक कर लीजिए, हलाला कर लीजिए, ये किसने सिखाया? आप ही लोगों ने तो सिखाया है। कोई नहीं कर रहा है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा। आप सीधा एक मैसेज दीजिए कि नहीं, चार शादियां करना नाजायज है, चार शादियां आप नहीं कर सकते। ये एक बार स्पष्ट बोल के दिखाइए। नाजायज कैसे कह देंगे? स्पष्ट बोल के दिखाइए। नाजायज कैसे कह देंगे आप? भाई कुरान में जब है तो नाजायज कैसे कह देंगे? मैं इस कुरान में कंडीशनल शादी की इजाजत नहीं है। वही कह रहे हैं उसको समझिए ना, मैं आता हूँ बीच में, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूँ। कंडीशन जगह है, सुनिए 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 रिजवी भाई, शबनम एक मिनट साइलेंट, सुनिए रिजवी भाई सुनिए, कंडीशन हर जगह हिंदू मैरिज एक्ट में भी है कि एक से दूसरी शादी कब होगी, जब पत्नी ना रहे या फिर पति ना रहे, तो वो कंडीशन की बात मत करिए भाई। एक साथ आसाम में कितनी चार ठीक है, वो भी परसेंटेज आपको बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, वो भी परसेंटेज आपको बता दूंगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े आपके सामने रख दूंगा। चलिए ठीक है, सैयद जवाद आवाज आ रही है। ये बहुविवाह प्रथा पर रोक लग जाएगी, चार शादी नहीं हो पाएगी, एक साथ एक से ज्यादा बीबियां नहीं रख पाएंगे, ऐसा कानून आ रहा है, आप इसके पक्ष में हैं कि विरोध में हैं? नहीं देखिए क्या है, हिमंता विश्व शर्मा जो बातें करते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, उनकी बातों को उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी के लोग संजीदगी से नहीं लेते हैं। वो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो संविधान के विरुद्ध जाकर के बात करते हैं और आर्टिकल 25 को शायद उन्होंने ना पढ़ा हो, जो संविधान के अंदर हमको और सबको जो है अपने हकूक और राइट दिए गए। इस आर्टिकल 25 के अंदर सबको अपनी अपनी कल्चर, अपनी अपनी मान्यताओं को मानने के राइट हैं। मैं आपको रोक रहा हूं सैयद जवाद, मैं आपको रोक रहा हूं, दो बातें आपको क्लियर करता हूं। पहली तो बात की जो आपसे सवाल पूछा गया था, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने पूछा था बहुत सीधा सा सवाल, आप इस कानून के पक्ष में है कि विरोध में है, आप पॉलिटिकल बातें करने लगे, जिसका मैं बिल्कुल फेवर नहीं करूंगा। नंबर एक। नंबर दो, जिस 25 का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस अनुच्छेद 25 का जिक्र कर रहे हैं, तो जो कमिटी बनी थी उस कमिटी को दो ही टास्क दिया गया था कि एक तो यह अनुच्छेद 25 का आप स्टडी करिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ को स्टडी करिए और बताइए कि यह कानून हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। उस कमेटी ने दो टूक कह दिया कि आप ला सकते हैं। एक ही कंडीशन दी है कि मंजूरी राज्यपाल से नहीं राष्ट्रपति से लीजिएगा, एक ही सुझाव दिया है। आगे बोलिए। अच्छा हो गया राकेश भाई, आपको सवाल का जवाब पसंद नहीं आएगा वो मुझे पता है। नहीं, सवाल का जवाब पसंद आएगा, बशर्ते आप सवाल का जवाब नहीं घुमाए। नहीं, हम घुमाते नहीं। तो बताइए सीधी सी बात, पक्ष में कि विरोध में? एक शब्द का जवाब है, पक्ष में या विरोध में? मैं संविधान के पक्ष में हूँ हिमंता। अरे इस कानून के पक्ष में है कि विरोध में? मैं संविधान, एक शब्द का जवाब है, या तो पक्ष में बोल दीजिए या तो विरोध में बोल दीजिए। मैं संविधान के पक्ष में हूँ और हिमंता विश्व शर्मा की जो बात कही। अरे तो यही संविधान राज्यों को अधिकार देता है भाई कि वो कानून बना सकते हैं। देखिए फंडामेंटल और इस अधिकार का पालन करते हुए राज्य सरकार कानून लेकर आ रही है। अरे आप फिर राकेश भाई या तो समझना नहीं चाह रहे हैं, यानी आप समझना नहीं चाह रहे हैं, क्यों नहीं चाह रहे हैं? जवाब आर्टिकल 25 के पक्ष में हूँ, आर्टिकल 25 के पक्ष में हूँ और हिमंता विश्व शर्मा की बात के विरोध में। अरे ये बात समझे, हिमंता विश्व शर्मा की बात के विरोध में हूँ और आर्टिकल 25 के पक्ष। अंबर जयदी समझ में? इसीलिए हमने एक लॉयर को भी पैनल पर रखा हुआ है, उनके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले अंबर जयदी, ये सीधे तौर पर नहीं बता पा रहे कानून के पक्ष में या विरोध में, जलेबी बनाएंगे यहाँ पर। राकेश जी मजबूरी है इन जवाद और ये यहाँ पर बैठे हैं हमारे आलम साहब, इन जैसे जो हमारे देश के बड़े मुसलमान आदमी हैं, लोगों की मजबूरी है या फिर इनकी मानसिकता है कि ये जो बेसिक सा एक मुद्दा होता है महिलाओं से जुड़ा हुआ, इस पे इनके एक स्पष्ट राय नहीं निकल कर आ पाती। आर्टिकल 25 की बात यहाँ पर जवाब कर रहे हैं कि मैं आर्टिकल 25 के पक्ष में हूँ, बहुत अच्छी बात है। अगर आप आर्टिकल 25 के पक्ष में है तो आप जरूर बहुविवाह और निकाह हलाला और इस तरह की कुप्रथाओं के आप विरोध में है, क्योंकि आर्टिकल 25 क्या कहता है, आप अपने धर्म को प्रैक्टिस
प्रीच और प्रोपेगेट कर सकते हैं और किसी भी धर्म में किसी भी महिला के अधिकारों का हनन दमन नहीं आता है और इस्लाम भी किसी भी महिला किसी भी पुरुष के अधिकारों का हनन दमन नहीं करता है। आप चार शादी की बात करते हैं तो इस्लाम या कुरान के हिसाब से चार शादियां कंडीशनल थी उस समय के हिसाब से, आज के समय में इस्लामिक कानून के हिसाब से भी चार शादियां लागू नहीं होती है क्योंकि जिस लेवल का जिस हद का इंसाफ चार शादियों की कंडीशन जायज है पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप यहां पे आकर जो वकालत करते हैं तो या तो आप शरिया के बेस पे आप वकालत करें या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर आप शरिया के बेस पे भी वकालत करें तो भी आप फेल हो जाते हैं, आप बैकफुट पे नजर आते हैं और ना ही आप एक जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान है उसके हिसाब से भी। तो आप पहले सोच कर आइए कि एक महिलाओं के अधिकारों पर आप बात करने जा रहे हैं तो आप कम से कम एक स्पष्ट राय हो और अब महिलाओं की वो स्पष्ट राय नहीं है, लाविया इलाही स्पष्ट राय नहीं है, रुक जाइए रुक जाइए। लाविया इलाही क्या तीन तलाक पर कानून के बाद ये सबसे बड़ा कदम होगा जेंडर इक्वेलिटी के लिहाज से मुस्लिम महिलाओं के लिए? जी बिल्कुल राकेश भाई, मैं तो बहुत खुश हुई आज मैंने ये खबर सुना और इससे पहले भी मैं सुन रही थी। चार साल से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मेरा पीआईएल लगा हुआ है पॉलीगेमी और हलाला को बैन करने के लिए, जिस तरह से 2015 में मैंने ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैंने अपना पिटिशन डाला था और एक बेंचमार्क जजमेंट आया, फिर पार्लियामेंट में उस पर एक बजाबते सेक्शन आए, एक पनिशमेंट फिक्स हुई है। तो उसी तरीके से पॉलीगेमी और हलाला पर भी मेरी पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेरे पिटिशन को सुन करके और बहुत अच्छा निर्णय लेकर के और उससे भी पार्लियामेंट के अंदर एक वैसा ही कानून बनेगा और पनिशमेंट मुकर्रर होगी। देखिए कि मुसलमान मर्द के की जो गुट है ये कभी भी, अभी आर्टिकल 25 के बारे में कितना बोल रही है, मतलब चिल्ला चिल्ला के हम बोलेंगे हमको आर्टिकल 25 पसंद है, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच पसंद है, पर वही आर्टिकल 44 नहीं पसंद है क्योंकि वो एक कानून की बात करता है, उसी संविधान में वो चीजें पसंद है जिसको ये ट्विस्ट कर सकते हैं, जो जिनको ये फ्लेक्सिबल कर सकते हैं उसी में, लेकिन इनको आर्टिकल 44 नहीं पसंद आता है, जेंडर इक्वालिटी नहीं पसंद आता है, वुमेन्स की फ्रीडम नहीं पसंद आती है। देखिए राकेश भाई इनको चुप हो जाओ, तहजीब को मुझे पता है कि मुसलमान मर्द को तहजीब नहीं है, मैं जानती हूँ और मैं बहुत खरा बोलती हूँ। देखिए राकेश भाई इन लोगों को धरती पर जवाब सुन लीजिए, लाविया इलाही को सुन लीजिए पहले उसके बाद जवाब दीजिएगा। नहीं लाविया को कंप्लीट करने दीजिए ना, बीच में नहीं बोलिए लाविया की बात। बदतमीजी की हद हो गई कि मुसलमानों को हम जानते हैं कि बोलने की तमीज नहीं है, तो रुक जाइए ना, बोलने की तमीज नहीं सिखाएगा, नहीं यहाँ कोई किसी को तमीज नहीं सिखाएगा, इसके लिए नहीं तो इसके लिए नहीं डिबेट में बुलाते हैं, तो एक दूसरे के बीच में बोलना भी सही तरीका नहीं है। अभी सिर्फ नाजिया की आवाज आने जा रही है, जवाब रुक जाइए, नाजिया की बात पूरी करिए। देखिए इनको धरती पर चार चाहिए सेक्स टॉय, आसमान पर चाहिए 72 वर्जिन हूर का मजा, और उसके बाद निकाह मुत्ता के नाम पर एक घंटा एक दिन एक महीने कभी इन लोगों को सेक्सुअल डिजायर निकालने के लिए इन लोगों का निकाह मुत्ता चाहिए। हर एक बात पर इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है, हर एक बात पे नारे तकबीर उठ जाता है, हर एक बात पर इन लोगों को इस्लाम का एकदम दमका पीटना होता है। शरिया के नाम पर औरतों को आज से नहीं, जिन्ना और ब्रिटिश के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ पर आज तक हिंदुस्तान के मुसलमान चल रहे हैं, आज तक 2023 तक 1937 जिन्ना ने बनाया था। रेड लाइट एरियाज को भी रोकिए मैडम, फिर जो जगह जगह चल रहे हिंदुस्तान में उसके खिलाफ आवाज उठाइए। सुनिए मुझे 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 कमजोर मत समझिए, कमजोर नहीं समझ रहे, मतलब ये नहीं कमजोर नहीं समझ रहे, लेकिन जब आप बात कर रही हैं तो फिर ऐसी एक मिनट रुक जाइए, एक करके सभी एक साथ नहीं बोलेंगे, रुक जाइए नाजिया एक मिनट अंबर एक मिनट, रेणवी भाई जिस मुद्दे पर डिबेट हो रही है उसी पर रहिए, उसके लिए दूसरे सामाजिक संगठन है। पहले मुझे एक सवाल, नाजिया एक मिनट मुझे रेणवी भाई एक बात बताइए, क्या चार शादियां इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, हाँ या ना? नहीं अभिन्न हिस्सा है लेकिन शर्तों के साथ। नहीं, देखिए या तो अभिन्न हिस्सा होगा या तो नहीं होगा, मैं नहीं समझता हूँ, आप मुझे बताइए कंडीशन क्या होता है भाई, कंडीशन तो हर जगह है, हर धर्म में कंडीशन है। एक सेकंड समझिएगा, देखिए ऐसा है फर्ज नहीं है, शादी भी फर्ज नहीं है, पता है आपको सुन्नत है,
फर्ज नहीं, यानी अगर आप नहीं करेंगे तो आप गुनहगार नहीं होंगे। तो अभी निशा नहीं तो है ना मतलब? तो जब एक शादी नहीं तो चार शादी कैसे? अरे अभी निशा नहीं है ना मतलब? नहीं, लेकिन अरे अभी निशा नहीं है ना? बिल्कुल अभी निशा नहीं है ना? नहीं बिल्कुल, लेकिन तो फिर क्या सोसाइटी कैसे चलेगी? उसमें शर्तें जो दी गई उसके प्रॉब्लम तो चार, मतलब चार, ये औरतों को इंसाफ देने के लिए चार शादियां, ना इंसाफी के लिए नहीं है, मतलब चार शादियां करने से विवाह चलेगा? देखिए चार शादियां इंसाफ देने के लिए, कुरान पढ़िए उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं अगर ये ना इंसाफी के लिए नहीं है जो प्रोगेट किया जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है राकेश भाई। और अगर मुसलमान भी, अगर कोई मुसलमान भी सिर्फ सेक्सुअली खाना पूरी के लिए चार शादी कर रहा है वो गलत है। नहीं मैं आपसे इंटेंशन के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ रेजवी भाई, मैं आपसे इंटेंशन के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। आपने कहा एक मिनट शबनम, मैं समझाना भी चाहता हूँ इस देश के लोगों को, एक साथ चार शादियां इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। मैं ठीक हूँ? नहीं बिल्कुल, हाँ ठीक हूँ ना मैं? हाँ। तो फिर किस बात की दिक्कत है? नहीं नहीं दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि उसको समझिए तो प्रोसेस को, प्रोसेस को समझे बगैर। अरे कौन सा प्रोसेस भाई? बिल्कुल से ये कंडीशन तो हर जगह है मुसलमान। अरे कंडीशन तो हर जगह है भाई, हिंदू मैरिज एक्ट में भी कंडीशन है, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी कंडीशन है कि अगर आप उस लायक नहीं तो पहले भी शादी नहीं कर सकते। अरे ये कंडीशन तो हर जगह भाई, वही तो बस फिर रहने दीजिए ना, फिर तो अच्छी बात है ना, इस कानून का समर्थन करिए। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, फिर तो इस कानून का समर्थन करिए। पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फिर तो कानून का समर्थन करिए। वो मोदी से आगे जाना चाहते हैं, वही बात है, वो मोदी से आगे कि मोदी एक मिनट रुक जाए, मैं उनसे आगे जाऊंगा। एक मिनट शबनम, एक बात मैं समझ गया कि एक साथ चार शादियां इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, जो कि रिजवी भाई भी मान गए, सैयद जवाब सभी मैं पूछ लूंगा, फिर इस कानून का विरोध क्यों है? फिर तो इसका समर्थन करना चाहिए, ये तो धर्म में कोई दखल नहीं। ये इसलिए विरोध नहीं कर सकते कि मुस्लिम पुरुषों को जो इन्होंने एक सब्ज बाग दिखाकर, ऊपर 72 हूरों का, नीचे 4, 5, 6, 7, ये तो चार कोई सब्ज बाग नहीं, क्या मैडम बाग? यही तो हम बात कर रहे हैं, आपने सब्ज बाग नहीं दिखाया मुस्लिम पुरुषों को? आप एक भी मुसलमान से बात करेंगे चाहे कौन चार शादियां कर रहा है, कहां सब्ज बाग है? आप लोगों ने सिखाया है, कहां सब्ज बाग है? देखिए आप अभी करिए, आप प्रोसेस से गुजरी नहीं है। देखिए ऐसा, मैं आपको बताता हूं, गुजर के ही समझ आएगी। नहीं मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ऐसा कि एक शादी जैसे होती है, एक शादी जैसे होती है, हमें समझ आएगी बात? हम और बहनों की बात नहीं समझ रहे, हम सब की बात समझ रहे हैं, लेकिन बात समझिए, सिखाया मुसलमानों को? नहीं कोई सिखाया नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता, औरतों का इंसाफ देने के लिए मैडम। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक चीज रिजवी भाई एक चीज और समझा दीजिए, चार शादियां इस्लाम का भी हिस्सा नहीं है, ये कहा गया है कि चार शादियां कर सकते हैं पुरुषों के लिए, बिल्कुल ठीक है महिला, अरे सुनिए ना भाई रुका, सवाल सुना करिए, महिलाओं के लिए भी कुछ कहा गया है कि वो चार शादियां कर सकती हैं कि नहीं एक साथ? नहीं कैसे करेंगी चार शादी? कंडीशनल कर सकती नहीं, है नहीं क्या? कर सकती नहीं, 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 नहीं क्यों? यही तो माने सिर्फ पुरुष करेंगे चार शादी? नहीं, 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 माने सिर्फ पुरुषों को अधिकार है कि एक साथ चार बीवी रखो? अरे राकेश भाई महिला को अधिकार नहीं है मुस्लिम महिला को कि चार पति भी रखो? ये बताइए मर्दों पे कितनी जिम्मेदारियां हैं? अरे क्या है ये? आप वाह वाह नहीं, ऐसे समाज नहीं चलता है, आप जिस तरीके से समझा रहे हैं। अरे जवाब दीजिए, आप भी आ जाइए, अरे ये तरीके से सैयद जवाब से भी पूछो, रुक जाइए, चार रख ले, ये बड़ा नहीं नहीं रुक जाइए, औरतें तो सैयद जवाब रुक जाइए, अरे रुक जाइए, रुक जाइए, सीमा आ गई वहां से, अरे रुक जाइए, अरे सचिन के प्यार रुक जाइए, अपनी बताइए ना, रुक जाइए, हम क्या अपनी बताएं? सैयद जवाब, मुस्लिम पुरुष एक साथ चार शादियां कर सकते हैं, ये इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, जो रिजवी जी की बात से मैं समझ गया। मुझे बताइए ये अधिकार क्या इस्लाम में मुस्लिम महिला को भी है कि एक साथ चाहे तो वो चार शादी कर ले, हाँ या ना? राकेश भाई अगर पूरी बात मुकम्मल होने दें और यहाँ पे चिल्ला चोट कम करें तो बात समझ में आ पाएगी, क्योंकि डिबेट का मौजू ये होता है कि लोगों और जनता को समझ में आए, चिल्ला उठाना नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात देखिए क्या है कि सिर्फ मुसलमानों के अंदर जो है पॉलीगेमी नहीं, बहुत सी कम्युनिटी है उनके अंदर भी पॉलीगेमी है। मैं सहमत हूँ भाई, अरे सुन लीजिए राकेश भाई, पूरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा तभी बात जा पाएगी, चिल्लाना है तो फिर मैं खामोश हूँ। आपको बताऊं सिर्फ मुसलमानों के लिए काहे के लिए अल्फाज को यूज करा जाता है कि पॉलीगेमी मुसलमानों में, बहुत सी कम्युनिटी के अंदर है, हिमाचल के अंदर जाएंगे आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं और वो मुसलमान नहीं है, तो महिलाएं एक शादी के बाद 5-5 पति रखती हैं। बीच में ना बोलिए प्लीज, मैं हूं नहीं, प्लीज मुझे अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, मैं बात कर रहा हूं अगर आप हिमाचल में जाएंगे बहुत से गांवों के अंदर बहुत सी ट्राइब्स के अंदर ये है कि औरतें जो हैं वो चार चार आदमियों से शादी करती हैं,
नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये कल्चर है, गोवा के अंदर एक कल्चर है, अगर किसी को बेटा नहीं होता है वहां पर भी भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, और सेंटर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां जाकर के ये बोल पाएंगे बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, आपने 101% सही कहा कि सिर्फ इस्लाम में ऐसा नहीं है, दूसरी जगहों पर दूसरी कम्युनिटीज में भी हो रहा है, तो ये रोक सब पर होगी, लेकिन विरोध एक ही जगह से क्यों होता है भाई? और जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, क्या मुस्लिम महिला को ये अधिकार है कि एक साथ चार शादियां कर ले, हाँ या ना? अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। सुनिए सुनिए, सिर्फ आप, अगर आप पूरे भारत की बात करना चाहते हैं, भारत के नागरिकों की या सिर्फ मुसलमानों की? नहीं नहीं, अभी मैं आपसे सवाल सिर्फ इस्लाम के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आपसे अभी सवाल सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए पूछ रहा हूँ। मैं आपसे सवाल सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, हमारे इस्लाम में, हमारे कल्चर में, हम जिस चीज को आर्टिकल 25 को फॉलो करते हैं उसमें इजाजत नहीं, ठीक है? माने मुस्लिम महिला चार शादी नहीं कर सकती है? मतलब मुस्लिम महिला चार शादी नहीं कर सकती है? हाँ नहीं कर सकती, पुरुष कर सकता है? नहीं कर सकती भाई, हमारे का कल्चर है ये। बहुत अंबर जी, ये अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अरे ये डिफरेंशिएशन समझिए, आप कैसे कर सकते हो? ये डिफरेंशिएशन समझिए, ऐसे थोड़ी होता है कि आप ठीक है अंबर जी, कुछ भी सवाल, अच्छा ठीक है, कुछ भी सवाल नहीं है, ये सवाल बहुत अच्छा है। कुछ अंबर जी, एक साथ चार शादियां करने का विशेषाधिकार सिर्फ पुरुषों को है, महिलाओं को नहीं है? जी बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिस वक्त और जिस समय के हिसाब से कानून बनाया गया था तो हो सकता है उस वक्त भी रेलेवेंट रहा हो, लेकिन आज के दौर में जहां पर महिला पुरुष सब एक साथ कंधे से कंधा जोड़कर काम भी करते हैं, घर हो या बाहर हो, हर तरह की जिम्मेदारियां एक साथ उठाते हैं, जैसे कि अभी मुमताज आलम साहब ने कहा कि मर्दों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, आजकल महिलाएं मर्दों से ज्यादा जिम्मेदारियां उठाती है, वो घर भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है और बाहर नौकरी करने भी जाती है, तो ऐसे में हम जब समाज के विकास की, देश के विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। किसी भी महिला के अधिकारों का दमन करने के बाद आप ये कहते हैं कि महिलाओं के हक की बात है अगर आप उनके साथ चार शादियां कर रहे हैं, तो ये किस तरह की बात करें? एक तरफ तो हमारा जेंडर रेशियो इतना ज्यादा उसमें डिस्पैरिटी आ रही है, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि एक पुरुष के साथ चार चार महिलाओं की शादी होनी चाहिए। आप पहले समाज के जिम्मेदार इंसान हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप इस तरह की बात रखते हैं तो बड़ी शर्म की बात है। मुझे लगता है कि जो शाबानों के समय में मुस्लिम पुरुषों की तरफ से कमी रही कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हक की बात नहीं की, कम से कम मुझे लगता है कि इतने सालों बाद तो कम से कम आपको अकल आनी चाहिए और इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप महिलाओं के हक की और इंसाफ की बात कर सके। आज आप जस्टिफाई कैसे कर सकते? एक शब्द में आप बोल देते ना कि नहीं तो बस बात खत्म थी, पर आपको तो घुमाना है ये रेडियो भाई। आज इस चर्चा को करने का मकसद सिर्फ इतना था कि जेंडर इक्वलिटी को लेकर सरकार अगर कुछ कदम उठा रही है, मुस्लिम महिलाओं के हित में कोई कदम उठा रही है, तो आप उसके साथ के विरोध में है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी रिपोर्ट सीमा हैदर को लेकर, जल्द वापस लौटते हैं।